कुशलगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने खोला मोर्चा। सत्ता पक्ष को मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह तो विपक्ष सत्ता के लिए लोगों को लूटने से क्यों नहीं बचाता। मामला कुशलगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर उकाला में तूतू मैं। सरकार भले ही केंद्र में भाजपा की हो, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूंछों पर ताव दे कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दोनों सरकारों के दावों की यहां जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई नजर आ रही हैं। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला यू तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहां आदिवासी समाज गरीब है तथा धरती पुत्र है। कुशलगढ़ क्षेत्र नान कमांड क्षेत्र है, यहां पर खाद की कालाबाजारी कर कुछ व्यापारी ऊंचे दामों पर खाद बेचकर अपनी तिजोरी भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष व विपक्ष व प्रशासनिक अमला पूरी तरह कुंभकर्णी नीत सोया हुआ है ताकि गरीब आदिवासी समाज खाद के लिए लूटता फिरे। लेकिन अब कुशलगढ़ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अब जाग चुका है। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने खाद की कालाबाजारी को लेकर उकाला में पहुंचकर खाद की कालाबाजारी करने वालों के साथ जमकर तूतू मैं हुई। मामला बांसवाड़ा जिले के उकाला में खाद की कालाबाजारी को लेकर शिकायत पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मुणिया ने मौके पर उकाला जाकर कालाबाजारी करने वालों को जमकर लता। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कुशलगढ़ विधानसभा संयोजक देवचंद मेहरा, हम आज निरीक्षण करते हुए उकाला क्षेत्र में पहुँचे छात्र अध्यक्ष मनीष मुणिया के साथ। वहाँ पर खाद की जो कालेबाजारी हो रही थी, वहाँ पर हम मौके पर गए और जो उत्तम खाद होता है उस खाद का वास्तविक MRP 267 रुपये है, तो वहाँ पर व्यापारी द्वारा 450 रुपये दिए जा रहे थे। और हमने मौका पकड़ा और पूछा भी, तो उसने हमारे साथ गाली गलौज करते हुए गलत व्यवहार किया। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि उसकी कानूनी कार्रवाई करें और उसका एक्शन लिया जाए।